जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आती है वैसे ही पार्टियों की दुश्मनी तो कभी दोस्ती बढ़ जाती है। इसका उदाहरण सबसे पहले हमने एसपी बीएसपी गठबंधन में देखा। यूपी में जहां भाई बहन का रिश्ता बनाकर अखिलेश और बहन मायावती साथ खड़े हुए तो वहीं अब बीजेपी भी शिवसेना के साथ भाई भाई वाला रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानसी जायसवाल। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2019 का चुनावी ताज जीतने के लिए कांग्रेस ने जहां प्रियंका को मैदान में उतारा है तो वहीं बीजेपी ने भी अपना दांव चला दिया है। बता दें, बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव साथ लड़ने की घोषणा कर दी है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, बीजेपी शिवसेना के करोड़ों कार्यकर्ताओं के मन की बात पूरी हो गई है। उद्धव ठाकरे से सभी चाहते थे कि बीजेपी और शिवसेना साथ चुनाव लड़े। पूरी चर्चा के बाद महागठबंधन पर फैसला लिया गया। शिवसेना और अकाली दल ने हर मौके पर बीजेपी का साथ दिया है। इसी टेबल पर आज मन मुटाव खत्म हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सूबे के 48 सीटों में से 45 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। तो देखा आपने कैसे बीजेपी शिवसेना भाई भाई बनकर मैदान में उतरने को तैयार है। अब इसके बाद कांग्रेस इस पर अपना कोई वार करने से कैसे चूक सकती थी। गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने पूछा है कि ये महामिलावट है या फिर महाभय। इस गठबंधन में बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का दाव यहीं थमता नजर नहीं आ रहा है। खबरों की माने तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और एआईएडीएमके भी जल्द गठबंधन का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और तमिलनाडु बीजेपी के प्रभारी पीयूष गोयल चेन्नई जाएंगे और वहां वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी और उप मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद दोनों दलों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले शिवसेना कई बार ये कहती आई है कि पार्टी चुनाव में अकेले ही उतरेगी और अब बीजेपी शिवसेना का साथ ये साफ दर्शाता है कि चुनावी अखाड़े में पार्टियों की जुबान बिन पेंदे के लोटे की तरह होती है। बहरहाल, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मिनट इंडिया।